हमने पॉलिटिकल पांच जो है वो डेफिनेशन या उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने रिव्यू कर लिया. अब हम इसकी डेफिनेशन कह लें या ये कह लें कि इसको जो इसमें मतलब क्या क्या चीजों का है वो हम देख लेते हैं. डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जो कि हमारी ब्रॉड और यूनिक प्रोडक्ट को डील कर रही होती है, उसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करना जो कि यूनिक है और कॉम्पिटिशन में बिल्कुल डिफरेंट है. उसी के नीचे आप फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी की बात करें तो ऑफर यूनिक प्रोडक्ट टू अ स्पेशल मार्केट सेगमेंट मींस बहुत कम बहुत स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया जाता है, टारगेट करके जो है उसको किया जाता है. लाइक जिस तरीके से लिमिटेड एडिशन आते हैं प्रोडक्ट के वो आपके पास स्पेसिफिकली फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के अंदर आएंगे. इसके बाद आप आगे आओ तो आपके पास दो स्ट्रेटजीज बचती है, एक कॉस्ट लीडरशिप है और एक फोकस लो स्ट्रेटजी है. फोकस कॉस्ट स्ट्रेटजी आपके पास जो है वो बिल्कुल लोएस्ट स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी आपको ये चीज कहती है कि आपकी जो है सिर्फ मार्केट्स के अंदर जो है वो करते हैं कॉस्ट के लिहाज से कॉस्ट एफिशिएंट इसके अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है. और इसके बाद जो लास्ट स्ट्रेटजी आपके पास वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है, दैट मींस आप अपनी लीडरशिप के लिहाज से स्पेसिफिक उसको जो है वो डील कर रहे होते हैं. इसके बाद मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है जो मार्केटिंग में अमूमन यूज कर रहे होते हैं बीसीजी मॉडल या बीसीजी ग्रुप जिसे हम कहते हैं. ये पिछली क्लास में मेरे पास सवाल भी आया था कि क्या बीसीजी ग्रुप है. बीसीजी ग्रुप हम पर्टिकुलरली यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं. बीसीजी ग्रुप के अंदर क्या होता है, बिजनेस कंसल्टिंग ग्रुप्स को जो है वो हम यूज सॉरी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास दो एरियाज है मार्केट ग्रोथ है मार्केट. एक मिनट बेटा, जस्ट वन मिनट, आप लोगों की वो बन गई है, फाइल बन गई है, तो मैं वो भी साथ साथ कॉपी कर लूं. ओके जी, ये भी आपका दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है. ओके ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अंदर. बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में दो एरियाज देखते हैं, मार्केट ग्रोथ रेट देखते हैं और मार्केट शेयर देखते हैं. मार्केट ग्रोथ रेट लो है, मार्केट शेयर लो है. इसके अंदर चार एरियाज होते हैं, क्वेश्चन मार्क, स्टार, डॉग एंड कैश काउ, ठीक है. कैश काउ इज द हाईएस्ट साइड जो कि आपके पास दोनों एंड्स के ऊपर जो है हाई नहीं चल रही होगी, बल्कि कैश काउ आपके पास जो है बल्कि एक मिनट सवाल को फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. लो का मतलब डॉग्स होता है, ठीक है, मतलब लो ऑन मार्केट ग्रोथ, लो ऑन मार्केट शेयर. हाई ऑन मार्केट ग्रोथ, लो ऑन मार्केट शेयर इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है. हाई ऑन मार्केट ग्रोथ, हाई ऑन मार्केट शेयर इज स्टार्स, ठीक है. लो ऑन मार्केट ग्रोथ, हाई ऑन मार्केट शेयर इज कैश काउस, ठीक है. अब इसके अंदर आगे क्या क्या चीजें होती है वो हम आगे देखे चलते हैं और आगे जो है वो चीजों के अंदर देखते हैं. अब इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से बात करते हैं तो हम स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बात की जो हमने ऊपर से बात करते चले आए कि आपके अगर टॉप मैनेजमेंट जो है वो वाइब्रेंट है या आपकी टॉप मैनेजमेंट जो है विजिलेंट है या आपकी टॉप मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है तो चीजें कुछ और होगी. वही सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है अगर उसके पास जो है वो एबिलिटी है या अगर उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो लोगों को इस तरीके से इंस्पायर करे कि कंटीन्यूअस चेंज, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी अश्योर हो सके, तो दैट मीन्स आपकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी इस बात को. अगर आपके पास या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है इफ दे आर सो स्ट्रांग या इफ दे आर सो इंस्पायरिंग कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूअसली चेंज या कंटिन्यूअसली अपडेट अडॉप्ट कराते रहे, परफॉर्मेंस उनकी वजह से बढ़ती रहे और ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट होती रहे, तो दिस मीन्स दैट स्ट्रेटजिक लीडरशिप इज द स्ट्रांगेस्ट लीडरशिप. सेकेंड, अप्रोच स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिहाज से बात करते हैं. हमें जब अप्रोचेस की बात कर ली, हमें लीडरशिप की बात कर ली, फिर हम आगे आते हैं प्लानिंग की बात करते हैं. सारे स्ट्रेटजी को पहले प्लान करोगे ना, तो प्लान करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस होती है,
इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स होते हैं, इकोनॉमिक आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो शामिल है इसमें. उसके बाद अच्छा सॉरी मैंने तुम लोगों से पूछा नहीं, मुझे एक दफा ये बता दो कि सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है. अगर किसी को आवाज क्लियर नहीं आ रही तो वो मुझे बता दे. सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे जल्दी से चैट रूम के अंदर सब कंफर्म करो कि मेरी आवाज क्लियर है. जल्दी ठीक है मारिया बेटा, थैंक यू. और जल्दी से बाकी सभी मुझे कंफर्म करो. ठीक है मैम, थैंक यू. ओके थैंक यू, थैंक यू. जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स होते हैं वो किस तरीके से चल रहे होते हैं आपके पास. दूसरा जो मेथड यूज करते हैं वो यूज कर रहे होते हो आप एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन का या एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन का. तीसरा जो यूज कर रहे थे वो पॉलिटिकल इंपैरेटिव यूज कर रहे थे. चौथा जो यूज कर रहे थे वो पॉलिटिकल इंपैरेटिव यूज कर रहे थे. अब ये है क्या, इसको हम मजीद फर्दर आगे एक एक करके जो है वो इंडिविजुअल देखते हैं. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक इंपैरेटिव. इकोनॉमिक इंपैरेटिव क्या है? इकोनॉमिक इंपैरेटिव जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, MNCs मींस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज जो कि पूरी दुनिया के अंदर होते हैं उस पे जो है वो बेस, उसके अंदर स्ट्रेटेजी वो यूज की जाती है. और किस तरह के ऊपर बेस्ड होती है? कॉस्ट लीडरशिप पे बेस्ड होती है, ये डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड होती है, ये सेगमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होती है. अब ये तीन अलग अलग चीजें क्या है ये हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं, बट जनरली मैं बता देता हूँ. कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये है कि आपकी जो सबसे प्राइम एलिमेंट है इकोनॉमिक इंपैरेटिव का वो ये है कि आपकी जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट या सबसे ज्यादा हाईली रिव्यूड एलिमेंट है. लाइक अगर किसी चीज से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, किसी पॉलिसी से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो यू विल नॉट इन्वॉल्व ऑन दैट. किसी पॉलिसी से आपकी कॉस्ट घटेगी तो आप कम होगी, आप फॉरन उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे. डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये होता है आप कम पैसों में रहते हुए कैसे यूनिक हो सकते हो. इसी बात सेगमेंटेशन है. सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि हर सोसाइटी के अंदर कुछ सेगमेंट कुछ फ्रेंचेस बने हुए हैं. क्या आप इकोनॉमिकल तमाम के तमाम सेगमेंट से तमाम के तमाम फ्रेंचेस को डील करना चाहते हो? अगर तमाम के तमाम को डील नहीं करना चाहते तो कौन सा सेगमेंट है, कौन सा ऐसा एरिया है जिसके ऊपर आप फोकस करना चाहते हो? Strategy also used when product is regarded as generic and therefore is not sold on name brand or supportive shelves. Economic imperative ये वो service है या ये वो planning है जो कि ये वो strategy है जो उस वक्त भी use की जा सकती है. तो आपके पास sale किया जाने वाला जो product है वो product बहुत ज्यादा well known नहीं है, मतलब वो कोई बहुत बड़ा brand नहीं है, बल्कि वो product एक general product है या एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इतना ज्यादा वेयर अबाउट नहीं है. लाइक मिसाल के तौर पर इसकी अगर आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल लेनी है तो चाइना के प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ले लो. जब पाकिस्तान के अंदर आज से 3-4 साल पहले चाइना के प्रोडक्ट्स की भरमार हुई थी उनमें से कोई प्रोडक्ट नाम से नहीं था, मतलब उसके नाम अजीब अजीब होते थे, आपको नामों के बारे में पता ही कोई नहीं होता था कि कौन सा प्रोडक्ट है ये क्या नाम है. बट स्टिल यू यूज्ड टू बाय दैट. क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली इंपैरेटिव था, कॉस्ट एफिशिएंट था, डिफरेंशिएशन दैट मींस यूनिक था. वो फीचर जो कि आपके पास सोनी के अंदर या टोशिबा के अंदर या मित्सुबिशी के अंदर जो फीचर्स आपको मिल रहे होते वही फीचर आपको उसमें मिल रहे होते, कम कॉस्ट के ऊपर मिल रहे होते. सेकेंडली सेगमेंटेशन के लिहाज से अगर बात की तो वो आपकी मार्केट सेगमेंट के लिहाज से होने का मतलब ये है कि जी आपकी जो मार्केट थी, मतलब हमारी जो लोकल मार्केट थी उस मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे थे. So, ये आपके पास दूसरा एक इकोनॉमिक इंपैरेटिव का रोल होगा. तीसरा ऑफन सेल प्रोडक्ट्स फॉर विच लार्ज पोर्शन ऑफ वैल्यू इज एडेड इन अपस्ट्रीम एक्टिविटीज. लाइक मतलब आपके पास जो इकोनॉमिक इंपैरेटिव के अंदर जो तीसरा एरिया या जो तीसरा डायमेंशन जो हम यूज कर रहे होते हैं वो क्यों मोबाइल का यूज कर सकते हैं, हम क्यों मोबाइल का कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, पहले तो मार्केट देखा, फिर उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर से कॉस्ट कम की, फीचर्स उन्होंने सारे के सारे वही रखे जो कि हाई क्लास मोबाइल के सैमसंग के होते थे, बट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को उन्होंने इफेक्टिवनेस रखा. लेकिन उन्होंने तीनों को फोकस में रखते हुए कम क्या चीज रखी, एक किस चीज के ऊपर सबसे प्राइम फोकस रखा, वो रखा कॉस्ट के ऊपर कि कॉस्ट आपकी ज्यादा ना बढ़े. इकोनॉमिक इंपैरेटिव के बाद पॉलिटिकल इंपैरेटिव है. पॉलिटिकल इंपैरेटिव की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इंपैरेटिव में ये है कि आपकी कंट्री, आपकी पॉलिटिक, आपकी जो पॉलिटिक वो है, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, ये जो आपकी पॉलिटिक्स है, ये जो आपकी सराउंड, जो आपकी सियासत है, वो आपकी लोकल मार्केट या निच मार्केट को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है.
ये एक बड़ा नैरो या बड़ा सोफिस्टिकेटेड पॉइंट है, इसको समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल इंटरवेंशन या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में बहुत सिग्निफिकेंट मेजर फंडामेंटल रोल प्ले कर रहा होता है। व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी स्ट्रेटजी, यानी हम किसी भी स्ट्रेटजी के बारे में चाहे बात करें, किसी भी पॉलिसी के बारे में बात करें, किसी भी इशू के बारे में बात करें, बड़ी बेसिक सी हिसाब को दूंगा फिर उसके बाद में आगे चलूंगा। अगर आप सिंध के लिहाज से बात करें, ठीक है, और अगर आप वेस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिहाज से बात करें, थिंग्स आर स्लाइट डिफरेंट। कैसे, मैं बड़ी छोटी सी आपको एग्जांपल दे दूं, टैक्स है। अगर आप सिंध के अंदर मौजूद हैं, मतलब इफ योर प्रोडक्शन यूनिट, इफ योर इंडस्ट्री, इफ योर MNC इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, तो आपके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसका नाम है सिंध टैक्स। ठीक है, ये पॉलिटिकल है, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी है, यहाँ के पॉलिटिकली उसको जो है, या उस जगह के डायमेंशन, उस जगह के डायनामिक्स, उस एरिया के डायनामिक्स को देखिए उसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, ये टैक्स पंजाब पे एप्लीकेबल नहीं है, अगर कोई MNC अगर पंजाब की है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है, कोई MNC बलोचिस्तान की उस पर एप्लीकेबल नहीं है, कोई MNC KPK की उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटिकल इम्पेरेटिव का मतलब ये है कि आपके पास जो पॉलिसी या आपके पास जो पॉलिटिक्स है वो एट टाइम्स कुछ ऐसी चीजें आपके साथ करवाती है, कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर लेके जाती है जो कि आपकी मार्केट को या आपकी सराउंडिंग की लोकेशन को या आपकी प्रोडक्शन को या आपकी सर्विस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही होती है। वही बात देखो मैंने सेकंड उसमें लिखी हुई कि MNC ऑफन यूज कंट्री सेंटर्ड और मल्टी डोमेस्टिक सेंटर्ड स्ट्रेटजी। इसको केटर करने के लिए या तो कंट्री सेंटर बना दी जाती है, कंट्री सेंटर का मतलब ये है कि वो ये कह रहे थे कि जी हम तो प्रोविंशियल पे आ ही नहीं रहे, हम तो फेडरल पर आ रहे हैं, सेंट्रल पर आ रहे हैं। सेंट्रल पर आने का मतलब ये होगा कि अब सिर्फ वो रूल्स अप्लाई होंगे जो कि सेंटर के, प्रोविंस के होंगे नहीं, फिर उसके फिर आपको जितने भी रूल्स और जितने भी पॉलिसीज है वो सब आपको सेंटर की अडॉप्ट करनी होगी। या आप मल्टी डोमेस्टिक करते हो, मल्टी डोमेस्टिक का मतलब ये है कि आप क्या करते हो, आप सेटअप्स बना लेते हो। सेटअप्स बनाने का मतलब ये है कि सिंध का इंडिपेंडेंट सेटअप, पंजाब का अलग इंडिपेंडेंट सेटअप, बलोचिस्तान का अलग इंडिपेंडेंट सेटअप, KPK का अलग इंडिपेंडेंट सेटअप, और वो तमाम के तमाम सेटअप उस पर्टिकुलर लोकेशन है, उस पर्टिकुलर पॉलिसी, उस पर्टिकुलर पॉलिटिक एरिया की जो पॉलिटिक्स है उसके लिहाज से डीलिंग कर रहे होते हैं। जो सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट है या किसी भी प्रोडक्ट की जो सक्सेस है वो किस चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, वो पे डिपेंड कर रही होती है मार्केट के ऊपर, सेल्स के ऊपर और सर्विस के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम मजीद फर्दर आगे जाते हैं क्वालिटी इंपेरेटिव की बात करते हैं। क्वालिटी इंपेरेटिव में दो बात है, एक तो ये है कि आप या तो एटीट्यूड के अंदर चेंज करें कि आप एक्सपेक्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करें, दूसरा ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस या आप ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस को जो है वो अडॉप्ट करें, ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिजाइन करें जो कि आपकी क्वालिटी, जो आपके प्रोसेसेस है उसके आउटगोइंग को या उसको जो है वो इफेक्ट या ओके वो आपकी प्रोसेस जो आपकी मैनेजमेंट या प्रोसेसेस है उन प्रोसेस को ठीक करें। मैं रिपीट कर, क्वालिटी इंपैरेटिव या क्वालिटी के एरिया की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी के एरिया में दो मेजर फोकसेस हैं। पहला फोकस आपका ये है कि यू फोकस ऑन सर्विस क्वालिटी, जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट आप ऑफर करें आप उसकी क्वालिटी को फोकस कर लेते हो। ठीक है, आपने अगर प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को फोकस नहीं करना, मतलब यू डोंट वांट दैट टू बी फोकस्ड ऑन, फिर उसके अलावा दूसरे एरिया के अंदर कहा जाते हो, आप चले जाते हो मैनेजमेंट के एरिया में एंड यू फोकस ऑन दिस थिंग, जी अच्छा ठीक है प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी जो है वो बिल्कुल वैसी रहेगी लेकिन आपके जो प्रोसेसेस या आपकी जो मैनेजमेंट है वो आप जो है इस तरीके से चेंज करते हो अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी या आपकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सके। जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास TQKM की एग्जांपल है, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट हम जिससे कहते हैं कि जिससे आपके प्रोसेसेस जो है वो सारे के सारे स्ट्रीमलाइन होते हैं और आपके प्रोसेसेस सारे के सारे जो है वो वर्कआउट होकर चल रहे होते हैं। इसके बाद मजीद फर्दर आगे आते हैं, हम TQM की डिटेल देख लेते हैं। TQM स्ट्रोक क्वालिटी मैनेजमेंट, यू जस्ट हैव गॉट 2 मिनट्स, इसको पूरा के पूरा पढ़ लो, फिर उसके बाद मजीद फर्दर आगे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे टॉपिक का एसएच को डायरेक्ट पार्ट नहीं है, बट चूंकि वी आर डीलिंग विद प्लानिंग तो हमें पता होना चाहिए और प्लानिंग के अंदर हम डील भी प्रोसेसेस के लिहाज से करें तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उनके विशेष बात को मैंने उसको पढ़ा, फिर उसके बाद हम आगे चलते।
आप लोगों ने जो है इसको रिव्यू कर लिया, अब हम इसको ले लेते हैं। पहली चीज तो आपके पास ये होती है कि आप लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन या जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको वर्क ग्रुप्स में डिफाइन करते हैं और वर्क ग्रुप्स में डिफाइन करने के बाद उनको क्रॉस ट्रेनिंग्स देते हैं। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग्स का मतलब ये है कि आप उनको मुख्तलिफ फंक्शंस के वो तमाम के तमाम फंक्शन ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है। क्रॉस फंक्शंस आप ट्रेनिंग देते हैं, मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आप जो है वो क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप उन डिपार्टमेंट्स को ऑल्टरनेट के तौर पे जो है वो यूज कर सके। प्रोसेस री इंजीनियरिंग की जाती है। प्रोसेस री इंजीनियरिंग का बेसिक मकसद क्या होता है कि आपके जितने भी एक्सेप्टेबल प्रोसेस हैं, जितने भी ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि आपको अपडेट करने हैं, आप उनको अडॉप्ट कर लेते हो। जो प्रोसेसेस आपको लगता है कि आउटडेट हो चुके, ऑब्सोलीट हो चुके, उनको रिमूव कर लेते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम डिजाइन किया जाता है। रिवॉर्ड सिस्टम किस बेसिस के ऊपर डिजाइन किया जाता है? क्वालिटी की बेसिस के ऊपर। तो आपके मैनेजमेंट की आपके प्रोसेसेस जितने क्लीन, जितनी क्वालिटी उनकी क्लियर होगी, इट बिकम्स वेरी इजी कि आप उसके ऊपर जो है उसको थोड़ा ही ज्यादा जो है वो अडॉप्ट कर लेते हो। उसके बाद क्वालिटी स्ट्रेटजी आती है। टीके उनकी टेक्निक्स के लिहाज से बात करते हैं। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल आप यूज करते हो। ह्यूमन कंट्रोल, ह्यूमन के रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो है सेल्फ मैनेजिंग टेक्निक यूज की जाती है। एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट लाया जाता है कि एम्प्लॉय जो कि अपनी किसी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं, ही और शी इज ऑथराइज्ड या ही और शी इज डेलीगेटेड विद सफिशिएंट पावर जिसके बेसिस के ऊपर अपने काम को परफॉर्म कर सके। ऐसा ना हो कि वो काम कोई कर रहा है, अप्रूवल कोई देगा, दिस शुड नॉट बी द केस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन हमारे पास जो है ये बताता है कि इंडिविजुअल जो है वो जो आपका जो डिसीजन जो है इट शुड बी स्ट्रेटेजिक बेस्ड और इंडिविजुअल सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो वेरी करने चाहिए, ना कि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिहाज से उसको जो है इम्प्लीमेंट करें। मीन्स ये कि इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इंटरवेंशन प्रोसेस अडेप्टेशन बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अश्योर करना चाहिए कि हर एक सिचुएशन, हर एक सर्कमस्टांस, हर एक मेथड, हर एक प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये एक चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जी हर प्रोसेस, हर जगह, हर लोकेशन, हर सिनेरियो डिफरेंट होता है। तो जैसे जैसे सिनेरियो डिफरेंट होते जाते हैं, वैसे वैसे वी नीड टू रिव्यू दैट और रिव्यू करके उसकी एप्रोप्रिएट जो डिसीजन है वो उनको लेना चाहिए। मिनाल बेटा ऐसे तो मैं बेटा अटेंडेंस नहीं लगा सकता, लेकिन ये है कि हाँ अगर आप इस सेशन में आ गई हैं तो मैं आपके इस सेशन की अटेंडेंस जरूर लगा दूंगा। ओके, इसके बाद सेकेंड ये है कि आपकी जो इसके बाद जो है आपके पास वो आपके पास है कि लीस्ट कॉमन अप्रोच है। ये सबसे ज्यादा लीस्ट प्रेफर्ड अप्रोच कहलाती है, लीस्ट अडॉप्टेड अप्रोच कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर मसला सिर्फ आपके पास ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट जो है वो डिफर कर रहा होता है, हर एक इंडिविजुअल जो मेथोडोलॉजी है वो डिफर कर रही होती है, जिसकी वजह से जो है वो बाज औकात ऐसा होता है यू मे नॉट बी एबल टू अडेप्ट ऑल द सिचुएशन, यू मे नॉट बी एबल टू अडेप्ट ऑल द प्रॉब्लम, यू मे नॉट बी एबल टू रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर हर प्रॉब्लम दूसरे से यूनिक हम करते चले जाएंगे तो फिर हम उसके डेटा को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके डेटा को ही इस्तेमाल करते करते हमें सदियां लग जाएंगी। तो इसलिए मोस्टली वी डोंट प्रेफर दैट, बट लेकिन बात यह है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये एक इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। बहुत सारी लार्ज एमएनसीज क्या करती हैं, वो इन चारों की चारों अप्रोचेस, इन चारों की चारों मेथोडोलॉजी, इन चारों की चारों वर्किंग को जो है वो कंबाइन कर लेती है और कंबाइन करके हर एक से एक जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उठा के एक क्यूमुलेटिव अप्रोच है वो डेवलप कर लेती है। इसके बाद आपके पास ग्लोबल वर्सेस रीजनल स्ट्रेटजीज है। ऑब्वियसली बात है, ग्लोबल स्ट्रेटजीज आर समथिंग डिफरेंट, रीजनल या नेशनल स्ट्रेटजीज आर समथिंग डिफरेंट। एक मिनट है, ये पढ़ लें फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं क्या मतलब है।
गेटिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम देख लेते हैं ग्लोबल इंटीग्रेशन हमारे पास क्या चीज है, या नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास क्या चीज है, ग्लोबल और नेशनल के अंदर हम किस तरीके से चीजें लेके चल रहे होते हैं। ग्लोबल इंटीग्रेशन के अंदर ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट जो भी सर्विस की हम बात कर रहे होते हैं उसकी टाइप उसकी क्वालिटी पूरी दुनिया के अंदर जो है एक ही बेस के ऊपर या एक ही क्राइटेरिया पे या एक ही सिनेरियो के अंदर चल रही होती है। लाइक अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करें कैडबरी की चॉकलेट की बात करें और अगर हम ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात करें तो कैडबरी चॉकलेट जिस तरीके से आपको न्यूयॉर्क जिस फ्लेवर की आपको न्यूयॉर्क या यूके के उसी फ्लेवर की उसी स्पेसिफिकेशन की आपको पाकिस्तान में मिलेगी। नेशनल रिस्पॉन्सिबनेस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ग्लोबल इंटीग्रेशन। नेशनल रिस्पॉन्सिबनेस में क्या होता है, यू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द नेशन, यू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द पीपल, यू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द प्रेमिसेस। लाइक बहुत सारी चीजें मुसलमानों को खाना प्रोहिबिटेड है, हम नहीं खा सकते, हम सिंपल घोड़ा भी नहीं खा सकते, लेकिन बर्गर किंग का आप सब लोगों के नॉलेज में होगा वो इशू, और अगर नहीं रहता हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। बर्गर किंग बीइंग अ एमएनसी, व्हाट दे डिड वाज दे वर यूजिंग हॉर्स मीट एट देयर यूरोपियन लेवल, बट जब हम पाकिस्तान के अंदर वही बर्गर किंग आते तो पाकिस्तान में घोड़े का गोश्त नहीं अवेलेबल होता बल्कि गाय का और बकरों का होता है। बाकी कुछ एक्सेप्शन आप सब लोगों को मालूम है तो मैं उस एक्सेप्शन की डिटेल में नहीं चाहूंगा, विल डिस्कस दैट लेटर। ये आपके पास ग्लोबल और नेशनल जो आपकी ग्लोबल इंटीग्रेशन वर्सेस नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो है चार्ट है कि इसमें आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजी कहाँ कहाँ यूज करोगे। लाइक ग्लोबल इंटीग्रेशन हाई होगी या नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो ग्रेट चार्ट है ये आपको सिंपल ये बताता है कि आप किस तरह की स्ट्रेटेजी कहाँ पे यूज करेंगे। मतलब स्ट्रेटेजी वही है जो कि हमने पहले बोली थी, ट्रांजिशनल है, मल्टी डायमेंशनल है, ग्लोबल और इंटरनेशनल है, ये वही स्ट्रेटेजी है, बट ये चार्ट हमें बताता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमें कहाँ यूज करनी है। एक मिनट है, इसको रिव्यू कर लो, देख लो, फिर उसके बाद हम मजीद फर्दर आगे चलते हैं, बिकॉज इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी क्लियर कि कौन सी स्ट्रेटेजी कहाँ यूज हो रही है। जस्ट रिव्यू है और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चलते उसको मजीद फर्दर आगे डिस्कस करें। ओके आगे चलें और आगे चल के हम उसको देखें और मतलब मजीद फर्दर आगे हम आगे की तरफ बात करें तो ये आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के प्रोसेस की ये वही चीजें जो कि हमने ऊपर करी, एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी, ट्रांजिशनल स्ट्रेटेजी, ये वही चीजें सारी के सारी आदमी। यस ये चीज हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जब हम इंटरनेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपके पास ये एक चार्ट या ये एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रेड है जिसको हम जो है वो स्पेसिफिकली अलग से फॉलो कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम स्वर्क नहीं कर रहे होते बल्कि हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या है और इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या है। लेकिन इसमें एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल की हम बात कर रहे होते हैं इंटरनेशनल एनालिसिस में, नॉट सराउंडिंग टू आर इंडस्ट्री। मतलब मेरी जिस लोकैलिटी में इंडस्ट्री है मैं उसके सराउंडिंग की चीजें नहीं देखूंगा बल्कि मैं देखूंगा इंटरनेशनली मेरे प्रोडक्ट जो मेजरली मेरा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के इंटरनेशनली सराउंड में कौन कौन से कंपेटिटर्स है, कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है उसके अगेंस्ट में मौजूद है, व्हाट दे वर्क आउट। इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जब हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम जो है वो स्पेसिफिकली जो है फोकस कर रहे होते हैं। व्हेनेवर वी आर स्कैनिंग एन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, हर एक एलिमेंट के लिहाज से बात करें तो हर एक एलिमेंट जो है वो इंडिविजुअली हम अगर उसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जी हम क्यों इसकी जरूरत है। पहला तो ये है कि हमें फोरकास्ट के अंदर जो है वो ये हेल्पफुल साबित होता है, इट्स बिकम वेरी इजी फॉर अस कि हमें ये फोरकास्ट करें। दूसरा ये कि जो भी आपकी कॉम्पिटिशन में स्टेबिलिटी में डेमोग्राफी में कस्टमर डेटा में जो चेंज आता है वी आर एबल टू गेट दैट, मतलब वो चेंज हम जो है इजीली जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बाद इवेल्युएट कर सकते हैं। अब इवेल्युएशन के अंदर क्या है, सबसे पहले हम असेसमेंट कर सकते हैं, फिर हम ये देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और इंटरनल कैपेबिलिटीज वो मैच हो सकती है नहीं कर सकती। उसके बाद एमएनसी के अंदर ये है कि क्या हमारे पास वो एप्रोप्रिएट या वो सिग्निफिकेंट रिसोर्स मौजूद है जिससे हम ये काम कर सकते हैं या नहीं है। इसके बाद गोल फॉर्मुलेट किए जाते हैं कि जिस तरह एनवायरमेंट स्कैनिंग इंटरनल एनालिसिस के बाद क्या हमें गोल्स चाहिए होंगे या किस तरह के गोल्स की हमें जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद और मजीद स्पेसिफिक अगर देखें तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो एक्सेस कहाँ है, गाइडलाइंस कहाँ है, कंट्रीज को जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं नेशनल प्रेमिसेस में तो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज हमारे पास किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कैसा है, रिस्ट्रिक्शन किस चीज की है, किस तरीके से हमें जो है वो बेनिफिट हो सकते हैं। लोकल इशूज अगर हम नॉर्मल मार्केट के लिहाज से बात करें, नेशनल मार्केट के लिहाज से बात करें तो
कौन कौन से इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी का इशू है, एक्सेस का इशू है, अवेलेबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, डिजायरेबल लोकेशन का इशू है, प्रोडक्शन के लिहाज से बात करें तो हम उसको रिव्यू कर रहे होते हैं हाउ थिंग्स डिफरेंट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के अंदर हम जब बात करते हैं तो ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट जब हम फॉरेन मार्केट में करेंगे तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, अगर हम नॉर्मल मार्केट में करेंगे, लोकल मार्केट में करेंगे, होस्ट कंट्री में करेंगे तो उसमें क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, और ये सारी की सारी चीजें प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो हम यहाँ पे डील कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम इंटरनेशनल या एमएनसी बोर्ड्स को किस तरीके से किस बेसिस के ऊपर देख रहे होते हैं, ये हमारे पास उसके फंक्शंस हैं, जस्ट रिव्यू दोस फंक्शंस और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। मेजर एरियाज हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी का, मार्केटिंग का, ऑपरेशंस का, फाइनेंस का और एचआर का होता है, ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके बोर्ड जो है वो फॉर्मुलेट हो रहे होते हैं। इसके बाद अगर कोई मार्केट इमर्जिंग है, मतलब अगर कोई न्यू मार्केट है तो उसके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो यूज की जाती है, हम उसकी स्ट्रैटेजीज को देख लेते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या क्या हमारे पास जो है उसके अंदर यूज की जाती है, उसमें स्ट्रैटेजीज क्या क्या यूज की जाती है। सबसे पहली जो है फर्स्ट मूवर स्ट्रैटेजी होती है, फर्स्ट मूवर स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि यू बिकम द अर्ली एंट्रेंट, आप मार्केट में जो है वो जल्दी एंटर हो जाते हैं। उसके बाद जो है स्ट्रैटेजी आपकी डेवलप होती है बेस ऑफ पिरामिड, बेस ऑफ पिरामिड की स्ट्रैटेजी क्या होती है वो आपके पास ये होती है, जस्ट रिव्यू दैट कि आपकी जो है वो टीयर्स ब्रेक कर दी जाती है और टीयर्स के पॉपुलेशन वाइज जो है वो टीयर ब्रेक करके इनकम के साथ आप उस इनकम की बेसिस पे प्रोडक्ट्स कैटेगराइज कर देते हैं कि कौन सी टीयर के लिए कौन सा प्रोडक्ट है। इसे वही फिलॉसफी है जो कि आपकी चाइनीज गवर्नमेंट ने या चाइनीज मार्केटर्स ने या चाइनीज प्रोड्यूसर्स ने यूज की और इसको यूज करके आज तक वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। वी फॉल इन कैटेगरी 4, टीयर 4, जिसमें आपके तमाम के तमाम वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि प्रोडक्ट्स आपके शायद उनके लिए जो है बिल्कुल लोएस्ट कॉस्ट के अंदर वो प्रोडक्ट फॉल कर रहे होते हैं एंड वी बिकम वेरी इजीली पार्ट ऑफ इट, रीजन बीइंग कि जी हमारे लिए वो मार्केट या हमारे लिए वो सिनेरियो जो है वो इस तरीके से डेवलप हुआ है। इसके बाद न्यू वेंचर्स के लिहाज से बात कर लेते हैं। न्यू वेंचर्स के लिहाज से अगर हम इन सब चीजों को फॉर्मुलेट करके बात करते हैं तो यह है कि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखना होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। जब आप पुरानी ऑर्गेनाइजेशन या जब आप किसी नए मार्केट में जाते हैं तो उसके बाद ये देखते हैं कि जो एंटरप्राइज वहां पर ऑलरेडी बनी है उनकी मैनेजमेंट किस तरीके से चल रही है। अगर फॉरेन मार्केट की बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज देखने की जरूरत है कि आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी उस मार्केट में बढ़ने की। कॉम्बिनेशन ऑफ इनोवेशन, प्रोएक्टिव और रिस्क सीकिंग बिहेवियर आप जो है नोट कर रहे होते हैं नेशनल बॉर्डर के अंदर होते हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर होते हैं ताकि आपको ये चीज पता चल सके कि आप कितना रिस्क बिहेवियर के अंदर जो है वो फॉल कर रहे हैं। ये आपके पास वो एरिया है जिसमें आप ग्लोबली जो है क्रॉप साइज करते हैं, लाइक ग्लोबल एरिया को आपको डील कर रहे होते हैं कि ग्लोबली आप क्या है। ये विल जस्ट स्किप टू इट, रीजन बी कि इसके अंदर इंटरनेशनल न्यू वेंचर बॉन्ड ग्लोबल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड ग्लोबल फर्म्स वो फर्म्स होती हैं जो फर्म्स आपके पास नेशनल वेंचर से इंटरनेशनल वेंचर की तरफ जा रही है, ठीक है। विल बी कीपिंग इट ओवर, हम इसको यहीं तक रख के आज के दिन के लिए कंक्लूड करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम बाकी मजीद फर्दर आगे इसकी जितनी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अभी के लिए मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूं ताकि आपका ये सेशन भी क्लोज रहे एंड देन इंशाल्लाह फिर हम जो है आगे की तरफ नेक्स्ट इसके अंदर मूव करेंगे। मैं नाम लेता जा रहा हूँ, मुझे काइंडली कंफर्म कर देना अगर किसी का नाम नहीं आया है तो, ताकि फिर मैं उसको एड अप कर सकूं। अब्दुल हमीद, अलमास सत्तार, असना, अक्सा, आसिया, बीबी नेदा, फरीहा, हसनैन, इमरान,
इमरान इमरान काशिफ जब्बार खुर्रम कोमल माहीम माहीम के बाद कौन है मावश मारिया नाल पटेल मावश मारिया एंड नाल बेटा कोशिश करो कि नेक्स्ट क्लास में पहले आ जाओ रीजन नहीं के ठीक है कोई मसला नहीं है एक क्लास में कोई तो इशू नहीं है बेटा फर्स्ट सेशन की तुम्हारी आपकी कर दी थी बेटा ओके जी बेटा अटेंडेंस सबकी माफ हो गई है इंशाल्लाह विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैनेज होकर देख लीजिए ठीक है बेटा।